देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जसपाल। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए बनाए गए गठबंधन इंडिया में 26 विपक्षी दल शामिल है। गठबंधन में शामिल सभी दलों ने लोकसभा चुनाव में एकजुट रहने का प्रण लिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में ये एकजुटता शायद देखने को ना मिले, क्योंकि क्षेत्रीय दल विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बाद गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस और सपा दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसी गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट में उन्होंने यहाँ पर दावा किया, यानी कि अखिलेश यादव तो दावा करते हुए नजर आ ही रहे थे, लेकिन सपा के जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में सपा प्रमुख रामायण सिंह पटेल ने इस बात से इनकार किया कि पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के मूड में है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान की तरफ से उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ये घोषणा रणनीतिक तौर पर की गई है, जिससे कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बना सके। रविवार को अखिलेश यादव ने एमपी की दोहानी और चितरंगी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। ये सीटें विंध्या क्षेत्र में आती हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विंध्या यूपी बॉर्डर से लगता है। दोहानी सीट पर विश्वनाथ सिंह गौड़ मरकम और चितरंगी पर श्रवण कुमार सिंह गौड़ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बुधवार को उत्तर प्रदेश बॉर्डर से ही लगे हुए बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल बेल्ट की मेहराओ भंदर निवारी और राजनगर के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। रामायण सिंह पटेल ने बताया कि अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का कोई आदेश नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का फैसला पार्टी हाईकमान लेता है, लेकिन उन्हें गठबंधन की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अखिलेश यादव ही इस पर फैसला लेंगे। रामायण सिंह पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव ने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा है। प्रदेश अध्यक्ष का ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में सपा अपनी ही ताकत से अपनी ही मर्जी से चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल ये तो रहा अखिलेश यादव का पॉइंट, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ भी तनातनी देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है अब वो भी इंडिया के गठबंधन से धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है वो कांग्रेस पार्टी से नहीं बन रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, ना ही दोनों पार्टियां एक दूसरे के आस पास और इर्द गिर्द यहाँ पर जो है बयान देती हुई नजर आती हैं, अलग बयान देती हुई नजर आती है, तो साफ तौर पर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल अपना अलग ही चुनाव लड़ने का यहां पर कहीं ना कहीं फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब यहां पर मल्लिका अर्जुन खड़गे इसके बाद कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। लगातार इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।